गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द राइ फैक्ट्स वंस अगेन। तो मोटो व्लॉगिंग की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी वॉइस। तो कैमरा तो आपको पता ही है, गोप्रो है, बहुत सारे एक्शन कैमराज यूज़ करते हैं लोग। बट रिकॉर्डिंग के टाइम पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि कौन सा माइक यूज़ करते हो आप मोटो व्लॉगिंग के लिए या व्लॉगिंग के लिए, एंड कौन सा माइक बेटर है यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे महंगे माइक अवेलेबल है मार्केट में। तो इनिशियली जब आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो या व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपको चाहिए एक बजट फ्रेंडली माइक जो कि कम प्राइस में हो एंड क्वालिटी भी अच्छी हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही माइक की जो कि है बजट फ्रेंडली, लेस देन 1000 रुपीज़ में मिलता है, एलफॉग का GO001। तो ये है एलफॉग का GO001 माइक जो मैं यूज़ करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए, एंड ये आता है लेस देन 1000 रुपीज़ में, ईजिली अवेलेबल है किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे मिल जाएगा आपको। एंड ये है ओमनी डायरेक्शनल लेवलियर माइक जो कि आता है विथ 3.5 mm जैक। इसमें आपको मिलता है नॉइस सप्रेशन भी एंड अच्छा माइक है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये अनबॉक्स कर लिया है। ये है एलफॉग का GO001 लेवलियर माइक जो कि प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया है मोटो ब्लॉग करने के लिए, एंड इसमें आपको मिलता है विंड मफ, कॉलर माइक एंड ये 3.5 mm जैक जो कि आता है 1.5 मीटर कॉर्ड के साथ में। बहुत बड़ा कॉर्ड नहीं है, इजीली मैनेज कर सकते हैं। जब आप मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बनाते हैं तो हेलमेट में माइक सेट करना होता है तो बहुत ज़्यादा लंबा तार होता है तो भाई प्रॉब्लम होती है। एंड इसकी कॉस्ट है लेस देन 1000 रुपीज़। चलिए इसको टेस्ट करेंगे। अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये है विदाउट माइक। ये एलफॉग GO001 माइक की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये डायरेक्ट आप GoPro में लगा सकते हैं, किसी भी एक्शन कैमरा में लगा सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं GoPro के साथ में, देखते हैं कैसा आता है। ये सेट कर लिया है, डायरेक्ट 3.5 mm जैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली प्लग एंड प्ले है। एंड ये कॉलर क्लिप का यूज़ करके मैंने कॉलर में सेट कर लिया है, तो व्लॉगिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो अभी तक वॉइस सुन रहे थे वो विदाउट माइक थी, GoPro के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था तो GoPro का इनबिल्ट माइक यूज़ हो रहा था। एंड अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो है ये एलफॉग GO001 माइक के थ्रू। तो ये मैंने कॉलर में लगा लिया है, कॉलर क्लिप का यूज़ करके ऐसे आप ब्लॉगिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओमनी डायरेक्शनल माइक है, इसके साथ विंड मफ मिलता है, इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इससे आपको वॉइस में डिफरेंस तो पता ही चल रहा होगा। एंड साथ ही मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मोटो व्लॉग करते टाइम इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे होगी। तो उसके लिए इसको सेट करना होगा हेलमेट में। जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो एक अच्छा सेटअप होना चाहिए अगर आप मोटो व्लॉग करना चाहते हैं। तो हेलमेट में लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि मोटो व्लॉग करते टाइम कैसे आती है इससे वॉइस, रिकॉर्ड क्वालिटी कैसी रहती है वॉइस की। तो सेटअप रेडी कर लिया है मैंने, ये GoPro लगा लिया है एंड माइक भी देखो अब हेलमेट में ही लग गया। तो क्योंकि वायर ज़्यादा बड़ा नहीं है इजिली मैनेज हो जाएगा, छोटा वायर है तो इसको आप सेट करेंगे GoPro में। तो सेटअप इज रेडी, अब चलिए दिखाते हैं आपको मोटो व्लॉग करते टाइम कैसी वॉइस क्वालिटी आती है रिकॉर्डिंग से। तो अभी मैंने मोटो व्लॉग सेटअप कर लिया है एंड माइक लगा लिया है जो कि है एलफॉग GO001। एंड अभी जो वॉइस क्वालिटी है आपको समझ आ ही रही होगी, अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था पहले मैंने जो आपको नॉर्मल व्लॉगिंग करके डिफरेंस दिखाया, एंड ये मोटो व्लॉग करते टाइम ऐसी आवाज़ आती है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर जो है काफ़ी बढ़िया है, जब आप बाइक राइड कर रहे होते हो तो विंड ब्लास्ट आता है एंड उसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो होती है वो अच्छे से नहीं होती, आपकी वॉइस अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती है। तो उसके लिए एक अच्छा माइक होना ज़रूरी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि कम बजट में अवेलेबल है एंड आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर आगे आप जब एक अच्छी खासी मतलब मोटो व्लॉग जर्नी कवर कर लोगे, आप ग्रो कर लोगे, तब तो आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत महंगे ऑप्शन हैं जो कि काफ़ी सारे मतलब मोर देन 10,000-20,000 वाले माइक भी अवेलेबल हैं, वायरलेस माइक हैं, वो सारे भी आप यूज़ कर सकते हो। बट इनिशियली आप जब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो या आप एक इंटरमीडिएट मोटो व्लॉगर हो जिसको एक अच्छा बजट फ्रेंडली माइक चाहिए तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है एलफॉग GO001। तो आपने देखा मोटो व्लॉग रिकॉर्ड करते टाइम कैसी वॉइस क्वालिटी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एलफॉग GO001 जो आप यूज़ कर सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर मोटो व्लॉग करते टाइम या व्लॉगिंग करते टाइम। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप मोटो व्लॉग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या आपने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी है रिसेंटली एंड आप एक अच्छा बजट फ्रेंडली माइक ऑप्शन देख रहे हो तो आप एलफॉग 001 को कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।